राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ पिछले 44 दिन से धरने पे बैठा हुआ। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कितनी तादाद में लोग हैं। आप देख रहे हैं हमारे कैमरामैन को, मैं कहना चाहूंगा कि वो दिखाए कितनी तादाद में जोश में है। आज 14 दिन है, आमरण अनशन पे बैठे हैं 11 लोग। राज्य मंत्रालय कर्मचारी आमरण अनशन पे बैठे हैं। हम जानना चाहते हैं सर, पिछले आप लोग 4 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं, सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? या तो विजय या वीरगति, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। सरकार कान खोल कर सुन ले, या तो हमारा 11 सूत्री मांग पत्र का जल्दी से जल्दी निराकरण कर दे, अन्यथा हमारी वीरगति के लिए हमारी शहादत को फिर तैयारी कर ले सरकार। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में हमारी बात है, हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं सरकार से, हम कोई मांग नहीं मांग रहे, सिर्फ न्याय कर दे सरकार। स्पष्ट रूप से ने निकट भविष्य में जो इतिहास याद रखेगा कि कोई मंत्रालय कर्मचारियों में ऐसे 11 लोग पैदा हुए। जिस हिसाब से आप लोग रोज बढ़ रहे हैं, 11 हो गए, और भी लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ कंटिन्यू? बिल्कुल तैयार है, मैं कह रहा हूँ लोग राजस्थान में 11 नहीं 11,000 भी तैयार हैं, लेकिन उनको हमने रोक रखा है कि पहले हमारी शहादत हो जाने दो, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो जैसे आप लोगों की हम लोग जब भी पूछते हैं, आप लोग ये कहते हैं कि बस आज होने वाला है फैसला, आज मांगी बातें चल रही हैं, आज फाइनल होने वाला है, लेकिन आज 44 दिन हो गए अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और उम्मीद ये जगाई जा रही है कि आपके कभी भी ऑर्डर हो सकते हैं, आपको कभी भी आपका धरना समाप्त किया जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है, लेकिन हमें जब तक आदेश नहीं मिलेंगे जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। सीएम साहब से आप लोगों की बात हुई इस मामले में? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई बात नहीं सीएम साहब। सीएम साहब से तो किन से बात चल रही है आप लोगों की? सीएम साहब अभी उदयपुर में है और आज भी ज्ञापन दिया गया है वहाँ पे मंत्रालय कर्मचारी साथियों द्वारा। ये सरकार संवेदनशील मानी जाती है, लेकिन आप देखिए 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हम 11 लोग 4 दिन से लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, अभी तक हमारी सूद किसी ने भी नहीं ली है। हम अगर हमारे को आने वाले भविष्य में कुछ होता है तो इसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, राजस्थान का ये जो मंत्रालय कर्मचारी है, ये सरकार से कोई अलग मांग नहीं कर रहा, ये सरकार से एक न्याय की मांग कर रहा है। जो हमारे समान कैडर थे उनके समान वेतनमान की मांग कर रहा है। ये राजस्थान का मंत्रालय पिछले 35 दिनों से तो महा पड़ाव में था और अभी लगभग 44 दिन इनको हो गए हैं और 4 दिन से हमारे 11 साथी, हमारे जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल है, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो सरकार से हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी है और ये आपकी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने का काम हमारी जो ये मंत्रालय के साथी है ये करते हैं। आपकी सरकार इससे चलती है, नहीं कि एक चार दीवारी में बैठने वालों से आपकी सरकार चलती है। तो इनकी पीड़ा जायज़ है और इनकी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि 45 डिग्री टेम्परेचर में ये बैठा हुआ है, कितने लगभग 1-1.5 महीने का समय इनको हो चुका है, तो सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जो मांगे हैं उन पर सकारात्मक निर्णय करें, जिससे कि राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी आपके कार्यालयों में जाके और आपकी जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करें और आपका भरपूर सहयोग करें।